खगड़िया सदर अस्पताल है और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि करोड़ों का दवा अंदर सड़ाया जा रहा है, देख सकते हैं। ये सरकारी काम में थोड़ा सा बाधा पहुंचाया जाए क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए इसको खोल रहा हूँ मैं। सरकार के खाते में जो है ये सारा दवा जो है गरीबों को बांट दिया गया है, सारा का सारा। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का DNA इतना खराब हो गया है कि कितना भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है वो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिलता है लेकिन करोड़ों का दवा जो है सड़ा दिया जाता है। ये खगड़िया सदर अस्पताल है और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि करोड़ों का दवा अंदर सड़ाया जा रहा है, देख सकते हैं। सरकार जो है जनता के टैक्स के पैसे से जो दवा खरीदती है उस दवा का इस्तेमाल जो है जनता के लिए किया जाना चाहिए और उस दवा का इस्तेमाल जो है जनता के लिए नहीं किया जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है BMSICL और उसका एक दवा है जो 2021 में एक्सपायर होना चाहिए और एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी 2022 है, 21 से पहले मरीजों को मिलना चाहिए था और नहीं मिला। थोड़ा सा अंदर दिखाइए ध्यान से, यहाँ पे करोड़ों का दवा जो है सड़ रहा है, करोड़ों का, ध्यान से देखिए। और हर सदर अस्पताल में इसी प्रकार की स्थिति होती है, यहाँ पे नीचे पूरा। और यहाँ के डॉक्टर देखिए इतने निर्भीक हो गए हैं, इतने निडर हो गए हैं कि आंखों के सामने भ्रष्टाचार करते हैं और उन्हें पता है कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। यहाँ पे सभी लोग पत्रकार हैं, यहाँ पे आए हुए हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए। चलिए सरकारी काम में थोड़ा सा बाधा पहुँचाया जाए क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए इसको खोल रहा हूँ मैं। एक हाईटेक घर बनाया गया, ये देख सकते हैं। हाईटेक घर जो है सड़ गया और उसके अंदर जो है दवा आके लाके आखिर कौन फेंका है? जांच होना चाहिए कि नहीं? सरकार के खाते में जो है ये सारा दवा जो है गरीबों को बांट दिया गया है, सारा का सारा, लेकिन दवा जो है गरीबों को नहीं मिला, दवा जो है यहाँ पे सड़ाया जा रहा है, ध्यान से आप देखिए। अब जरा बताइए कि खगड़िया सदर अस्पताल में, बेतिया सदर अस्पताल में, मोतिहारी सदर अस्पताल में, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इस प्रकार से दवा को सड़ाया जाएगा तो फिर गरीब मरीज जो है, गरीब लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरा। इधर किधर से जाके ये लोग जो है दवा फेंकते हैं इसमें पता नहीं चल रहा है। ये देखिए ध्यान से देखिए, इधर से लाके ये लोग सभी लोग जो है दवा इसमें फेंक देते हैं सभी लोग, क्योंकि दवा एक्सपायर हो जाता है। दवा एक्सपायर इसलिए हो जाता है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है वो दवा जो है मरीजों को नहीं दी जाती है और इसीलिए यहाँ पे करोड़ों का दवा फेंका गया है। आप लोग यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आप लोगों के नज़र से ये ओझल कैसे रह गया? ओझल नहीं रहा, इसको पहले भी हमने कई दफ़ा चलाया है। देखिए ये जो एक्सपायर दवा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा देखिए विडंबना, एक्सपायर कैसे हो जाता है? हम ये कह रहे हैं मनीष जी, सबसे बड़ा दवा एक एक्सपायर होगा, दो एक्सपायर होगा, 10 एक्सपायर होगा, 20 एक्सपायर हो जाएगा, करोड़ों का दवा एक्सपायर कैसे हो जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर जो खड़े हैं, कितना स्मेल, कितना बदबू मार रहा है। ये जो है दवाई जो है इस तरीके से फेंका नहीं जाना चाहिए था और यहाँ पैसे फेंका गया है, और इसका जो स्मेल है, इसका जो इन्फेक्शन है, यहाँ के आसपास के जितने सारे पत्रकार हैं, यहाँ पे चैनल का नाम है खलबली दर्पण, खलबली काहे नहीं खलबली मचाते हैं? हम बता रहे हैं आपको, जब यहाँ पर स्थानीय लोगों से, सिविल सर्जन, जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये बहाना बनाते हैं, और जब इसके बारे में कई बार मैंने जब झगड़ा किया तो सीधे कहते हैं कि ये डस्टबिन में चला गया। लेकिन आपको बता दें कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन जो है बिहार में है और बिहार के खगड़िया अस्पताल में है, जिसमें दुनिया का सबसे कीमती चीज फेंका जाता है, दवा। दवा से ज्यादा कीमती दुनिया में कोई चीज है और उसको यहाँ पे फेंका जाता है। वेस्ट मेस्टर जो मैनेजमेंट है, जो कि दवाइयों का जिस तरीके से इसका निष्पादन करना है, इसका डिस्पोजल करना है, क्या ये तरीका सही है क्या? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, दवा को तो फेंकना ही नहीं है, दवा एक्सपायर होना ही नहीं चाहिए सदर अस्पताल में, उसके पहले मरीजों को मिल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बहाना देते हैं कि दवा जो है वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया कैसे? एक्सपायर हो गया कहीं नहीं तो कहीं आपने मरीजों को दवा दिया ही नहीं ना। यहाँ पे हमसे लोग बोल रहे हैं कि दवा नहीं मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे जो है करोड़ों का दवा, हर प्रकार का क्रीम है, हर प्रकार का सिरप है, हर बहुत सारे बहुत कॉस्टली। कहना है उन लोगों का, मैनेजर का कहना है कि जो दवा आज ऑर्डर जाता है वो 15 दिन बाद आता है, यानी 15 दिन तक अगर दवा नहीं है तो वो नहीं मिलता है मरीज को, और यहाँ पे जो है वही दवा यहाँ फेंका हुआ मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो गलत बोल रहे हैं, उन लोग का मैनेजमेंट गलत है, क्योंकि 15 दिन तक दवा आने में लग जाता है तो यहाँ फेंका कैसे जा रहा है दवा? कहीं ना कहीं कागज पे ये सब दवा जो है मरीज को मिल जाता है और ये दवा यहाँ आ जाता है।
और कागज पे मरीज को ये दवा इसलिए दिया जाता है कि डबल कमीशन खाया जाता है। एक तो सरकार ने जिससे मैन्युफैक्चरिंग कराया है ये दवा उससे कमीशन, उस कंपनी से कमीशन खाएगा, और दूसरा डॉक्टर जो है मरीजों को बाहर का दवा खरीदने को बोलते हैं तो उससे कमीशन खाएंगे, और तब तो जाके सी फेसिंग फ्लैट जो है मुंबई में मिलेगा डॉक्टर साहब को, और तब तो जाके गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया का जो है टिकट मिलेगा। बिल्कुल, ये दवा यहाँ रहेगा तब तो बाहर लोग लाइन लगाएंगे। जो मेडिकल हॉल में भी जाके देखिए, मैं रोड पे गया तो लाइन लगा हुआ है पेशेंट का वहाँ पे, ये दवा यहाँ है इसलिए लोग वहाँ है। 50 मेडिकल हॉल में जितना दवा होना चाहिए उससे ज्यादा तो दवा यहाँ पे फेंका गया है जो सामने दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसका संख्या कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एकदम नहीं गारंटी है इसकी। और कागज के पन्नों पर अगर ये दवाई का वितरण होता रहेगा इससे भी बड़े बड़े अंबार। एक बार विधानसभा में बैठे सभी नेताओं का डीएनए टेस्ट जो है ना बिहार के लोग करें, ताकि पता चलेगा कि किस नेता का डीएनए जो है वो ईमानदार है और किस नेता का डीएनए जो है वो भ्रष्टाचार रूपी दलदल में जो है धस गया है। अगर नेता ईमानदार होंगे तो सारा सिस्टम ईमानदार होगा, नेता ईमानदार नहीं होगा तो सिस्टम ईमानदार नहीं होगा, और कहीं नहीं तो कहीं बिहार के नेताओं के डीएनए में खोट है और इसी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और डीएनए के नाम पे बवाल कौन मचाता है? बिहार के वही नेता डीएनए के नाम पे बवाल मचाते हैं, उसी नेता से सवाल करते हैं जिसके साथ इंजन में इंजन सटा के जो है आज सरकार बनाए हुए हैं। देखिए हर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ही नौटंकीबाज है, और नौटंकी करने में जरा सा वो नौटंकी दिखाते नहीं है, वो छमिया जैसे नाचती है और दूसरे को कहती है कि वो दोगला है, खराब है, यहां आरएसएस का चलता है या अन्य संस्था का चलता है, नौटंकी बात चलता है। इस दवा को लेकर के मैं बता दूं कि मेरा हाथ कट गया था और मैं जब यहाँ इलाज कराने आया था तो इसी सदर साल के प्रबंधक ने कहा था कि देव जी दवाई नहीं है, दवाई आने में टाइम लगा, बाहर से इलाज करवा लीजिए, और इसी वजह से मेरा उंगली नहीं जुड़ पाया। आपको मैं दिखा दूं, मेरा उंगली नहीं जुड़ पाया, यही वजह था, दवाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। और है ना समुचित व्यवस्था, डस्टबिन में दवाई की समुचित व्यवस्था है। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि आज अभी हम लोग जहाँ पे खड़ा है कितना स्मेल आ रहा है, कितना इन्फेक्शन फैलेगा इसका, एकदम पूरा सारा चीज खुला हुआ है, और इस इन्फेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है जो सदर अस्पताल में। जरा सोचिए, सरकार अगर जनता सरकारी काम में बाधा पहुंचाती है तो धारा 353 लगा के जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और जब सरकारें सरकारी काम में बाधा पहुंचाएगा, सरकार के नेता सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे, सरकारी अधिकारी सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा और कैसे होगा और कब होगा? एक बार बिहार के जितने भी सरकारी अधिकारी है, जितने भी नेता है, उनका डीएनए टेस्ट ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। जो ईमानदार होंगे उन्हें बिहार के लोग सम्मानित करेंगे, और जो बेईमान होंगे उन्हें इसी डस्टबिन में बिहार के लोग फेंक देंगे। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का डीएनए इतना खराब हो गया है कि कितना भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है वो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सभी प्रकार के मरीजों को 102 एंबुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। जब सभी प्रकार के मरीजों को 102 सेवा निशुल्क उपलब्ध रहेगा और एम्बुलेंस इस प्रकार से सड़ेगा तो कहां से बिहार में लोगों को जो है सही समय पे एम्बुलेंस मिलेगा? देखिए ये सारा गाड़ी जो है एम्बुलेंस जो है वो सड़ाया जा रहा है, यहां पे देख सकते हैं। अगर ये रिजेक्टेड है, आउटडेटेड है, तो आउटडेटेड चीजों को जो है यहां से हटा देना चाहिए था, बेच देना चाहिए था और दूसरा एम्बुलेंस खरीद लेना चाहिए था, लेकिन कहीं भी एम्बुलेंस जो है लोगों को मिलता नहीं है और अस्पताल में जगह जगह एम्बुलेंस सड़ता है। ध्यान से देखिए यहाँ के अधिकारियों का मनोबल कितना सातवें आसमान पे है कि अस्पताल के बीच प्रांगण में एम्बुलेंस सड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग तो आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। साथ में खगड़िया नगर परिषद जो है वो अपना एक डस्टबिन भी जो है इस एम्बुलेंस के बीच में सड़ा रहा है, ध्यान से देखिए। और एक दो एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे 20-25 एम्बुलेंस है। कुछ एम्बुलेंस तो ये जमीन के नीचे जो है वो दफन हो गया होगा, कुछ एम्बुलेंस अब किधर से निकले हमें समझ में नहीं आ रहा है। और सभी प्रकार के मरीजों को जब 102 सेवा उपलब्ध है तो ये एम्बुलेंस सड़ाया क्यों जा रहा है? देखिए नई नई गाड़ियां खरीदी जाती है और सड़ा दी जाती है। एक एम्बुलेंस को सड़ा के हर महीना 10 लाख रुपया कमाया जाता है, बड़ा एम्बुलेंस को सड़ा के, क्योंकि इस पर एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, एक कंपाउंडर होते हैं, और उसका सैलरी जो है उन लोगों को नहीं दिया जाता है और सरकार के खातों में एम्बुलेंस को दिन रात दौड़ाया जाता है, लेकिन वो एम्बुलेंस जो है ज़मीन पर सड़ रहा होता है। और यही कारण है कि इमरजेंसी हो, डायलिसिस
102 हो या कोई भी डायल हो, एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल पाता है। खगड़िया के लोगों से विनती है कि आप लोगों की आंखों के सामने अगर एम्बुलेंस सड़ रहा है तो कम से कम उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही एम्बुलेंस सड़ता रहेगा। बाकी ये सड़ता हुआ दवा और ये बिहार का सबसे बड़ा डस्टबिन से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।